गुड मॉर्निंग स्टूडेंट ऑफ क्लास 7। आई एम योर कंप्यूटर टीचर संजीत सर। होप यू ऑल आर फाइन। टुडे आई एम गोइंग टू कंटिन्यू द चैप्टर नंबर 5, स्प्रेडशीट एंड इंट्रोडक्शन। ओके, चैप्टर नंबर 5, स्प्रेडशीट एंड इंट्रोडक्शन। दिस इज द सिलेबस फॉर सेकेंड टर्म एग्जामिनेशन। चैप्टर नंबर 5, स्प्रेडशीट एंड इंट्रोडक्शन। चैप्टर नंबर 6, मोर ऑन स्प्रेडशीट। चैप्टर नंबर 7, डेटाबेस एंड डीबीएमएस एंड इंट्रोडक्शन। चैप्टर नंबर 8, वर्किंग ऑन टेबल्स एंड क्वेरी। ओके, सो दिस 4 चैप्टर्स आर इंक्लूडेड इन द सेकेंड टर्म एग्जामिनेशन सिलेबस। आप लोगों को क्या करना होगा कि ये जो 5-4 चैप्टर है इसको बुक में मार्क कर लेना है। ओके, क्योंकि ये जो चैप्टर्स है ये सेकेंड टर्म एग्जामिनेशन के सिलेबस के अंदर है। ओके, सो आप लोगों को इसको मार्क कर लेना है। ओके, एंड दिस इज द कॉन्टेंट ऑफ दिस चैप्टर। इन माई प्रीवियस वीडियो आई ऑलरेडी हैव डिस्कस अप टू मूविंग अराउंड द वर्क बुक। ओके, एंड टूडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम इंटरिंग डेटा। ओके, इंटरिंग डेटा एंड आई एम गोइंग टू डिस्कस टाइप्स ऑफ डेटा, परफॉर्मिंग कैलकुलेशन, वर्किंग विथ वर्कशीट, सेविंग ए वर्क बुक एंड एग्जिटिंग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। ओके, सो ऑल दिस कॉन्टेंट्स आई एम गोइंग टू डिस्कस इन दिस वीडियो। सो फर्स्ट टॉपिक इज इंटरिंग डेटा इन ए वर्कशीट। ओके, सो देर आर टू वेज टू एंटर डेटा इन ए एक्सेल। आप लोगों को पता होगा कि स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर एक्सेल इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। ओके, उसी में से हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग कैसे हम लोग एक्सेल के ऊपर हम लोग डेटा को इंसर्ट कर सकते हैं। ओके, डेटा को कैसे हम लोग एक्सेल शीट के अंदर इंसर्ट कर सकते हैं। सो मेथड वन इज टू एंटर डेटा इन ए एक्टिव ऑन द सेल एंड बिगिन टाइपिंग। आप लोग यहाँ पे बहुत सारा सेल देख पा रहे होंगे, ये जो रेक्टेंगल बॉक्स है इसको हम लोग सेल बोलते हैं। ओके, मैंने पहले ही बोला है, उसको आप लोग जब क्लिक करेंगे उसके बाद टाइप करना स्टार्ट कर देने के बाद ही जो डेटा है वो इनपुट होना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, क्लिक ऑन द डी क्लिक ऑन द सेल D1 एंड टाइप फाइनल टर्मिनल एग्जामिनेशन। ओके, आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे डी कौन सा है, डी ए वाला है। ओके, डी वन कौन सा है, वन ए वाला है। ओके, डी वन सेल, उसके अंदर आप लोग क्या लिखना होगा, फाइनल टर्मिनल एग्जामिनेशन लिखना है। नाउ सिलेक्ट द रेंज फ्रॉम सेल ए टू F1। ओके, एंड क्लिक द मार्च एंड सेंटर बटन टू द अलाइनमेंट ग्रुप ऑन द होम टैब। ओके, आप लोग यहाँ पे देखो A1 मीन्स ए वाला ऑप्शन है। ओके, A1 ये यहाँ से यहाँ तक। ओके, यहाँ से यहाँ तक जो हम लोगों ने रेंज सिलेक्ट किया हुआ है। ओके, उसके बाद कहाँ पे जाना है, मार्च एंड सेंटर बटन पर क्लिक करना है अलाइनमेंट के लिए होम टैब के अंदर। ओके, टैब गेट सिलेक्टेड, सेल विल बी मार्च एंड टेक्स्ट विल बी सेंटर्ड। ओके, आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे सभी जो टेक्स्ट है, सभी जो वो सब सेंटर में है। ओके, सेंटर में है। नेक्स्ट जो स्टेप है, क्लिक ऑन द A2 सेल एंड देन टाइप नेम, प्रेस द राइट एरो की, टाइप साइंस इन द बी टैब B2 सेल एंड इन द सेम वे एंटर द रिमेनिंग सब्जेक्ट नेम्स। ओके, सो सब्जेक्ट नेम्स हमको कहाँ पे लिखना है, A2, B2, C2, D2, E2। ओके, आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे यहाँ पे रो नंबर 2 है और यहाँ पे नेम साइंस इंग्लिश मैथ कंप्यूटर साइंस हिंदी लिखा हुआ है। ओके, सो आप लोगों को यहाँ पे जो सब्जेक्ट्स का नेम है वो लिखना होगा। ओके, नेक्स्ट क्लिक ऑन द A3 सेल एंड टाइप द रीना एंड प्रेस द एंटर की। आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे जो 3 सेल है, यहाँ पे जो A3 सेल है वहाँ पे नेम लिखा हुआ है रीना बोल के। ओके, उसके बाद ऐसे ही करके आप लोगों को क्या करना होगा, 4 में, 5 में, 6, 7 एंड 8 तक आप लोगों को जो नेम है, स्टूडेंट्स का नेम है वो लिख लेना है। ओके, नेक्स्ट क्लिक ऑन द बी सेल एंड एंटर द नंबर 89 एंड प्रेस द राइट एरो। ओके, राइट एरो क्लिक करने के बाद आप लोग क्या करेंगे, इस साइड पे मूव होंगे। ओके, मैंने पहले ही बोला था कि कौन सा की यूज़ करने से कौन सा सेल में हम होते हैं। ओके, सो हम लोगों को राइट एरो की यूज़ करना होगा। ओके, उसके बाद 89 के बाद 90, ऐसे करके राइट एरो प्रेस करने से हम लोग ये जो मार्क्स यहाँ पे लिखा हुआ है इसको हम लोग लिख पाएंगे। ओके, नेक्स्ट इज मेथड नंबर 2, टू एंटर डेटा यूजिंग ए फॉर्मूला बार, क्लिक ऑन द सेल वेयर यू वांट टू एंटर द डेटा देन प्लेस द कर्सर इन द फॉर्मूला बार
and type your formula and press the enter key after entering the computer complete formula. आप लोगों का क्या करना होगा, यहाँ पे आप लोग बहुत सारे सेल देख पा रहे होंगे, कोई भी एक सेल को आप लोगों ने अगर सिलेक्ट कर ले, उसके बाद यहाँ पे जो फार्मूला बार है इसमें जाके आप लोग अगर कोई फार्मूला लिखेंगे तो वो ऑटोमेटिकली इस सेल के अंदर ही एंटर होगा। अगर मान लिया मैंने इस सेल को सिलेक्ट किया है, ओके, इस सेल को सिलेक्ट करने के बाद हम लोग कहाँ पे जाएंगे, ये जो बार होता है इसको हम लोग फार्मूला बार बोलते हैं, ओके। इसमें हम लोग जो लिखेंगे वो ऑटोमेटिकली इस सेल के अंदर भी इंसर्ट हो जाएगा, ओके। सो दी ये जो प्रोसेस है ये बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, ओके। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ डेटा, ओके। टाइप्स ऑफ डेटा, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ डेटा कैन बी एंटर्ड इन एक्सेल। फर्स्ट इज नंबर, ओके, नंबर और न्यूमेरिक डेटा। नंबर हम लोगों को पता होगा कि 1 2 3 4 5 6 7 8, ओके, 0 to 9, एंड सिंबल लाइक प्लस माइनस, ओके, यहाँ पे कुछ सिंबल्स दिया गया है, एट द रेट, ओके, परसेंटेज एक्सेट्रा, ये सब क्या होता है, हम लोग न्यूमेरिक डेटा के अंदर हम लोग इसको डालते हैं, ओके। नेक्स्ट इज टेक्स्ट डेटा। टेक्स्ट डेटा क्या होता है, टेक्स्ट डेटा कॉन्सिस्ट अल्फाबेट नंबर स्पेस एंड स्पेशल कैरेक्टर व्हिच आर नॉट यूज्ड इन द कैलकुलेशन, ओके। सो हम लोग टेक्स्ट डेटा के अंदर कोई भी चीज़ डाल सकते हैं, अल्फाबेट भी डाल सकते हैं, नंबर भी डाल सकते हैं, स्पेस भी डाल सकते हैं, जो कि हम लोगों का कैलकुलेशन में इन्वॉल्व ना हो, ओके। नेक्स्ट इज फॉर्मूला डेटा। फॉर्मूला डेटा आर द मैथमेटिकल इक्वेशन कॉन्टेंस नंबर एंड ऑपरेटर्स एंड सेल एड्रेस। ए फार्मूला शुड ऑलवेज बींग इन विथ इक्वल टू साइन, ओके। इक्वल टू साइन से ही हम लोग कोई भी अगर फार्मूला लिखना चाहते हैं तो हम लोगों को क्या करना होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों को इक्वल टू साइन देना होता है, ओके। इक्वल टू साइन देने के बाद ही हम लोग एक्सेल में फार्मूला लिख पाएंगे, ओके। नंबर्स एंड फार्मूला आर कलेक्टिवली नोन एज वैल्यूज, ओके। कलेक्टिवली नोन एज वैल्यूज, जो नंबर होता है और जो फार्मूला होता है उसको हम लोग वैल्यूज भी बोलते हैं, ओके। सो फार्मूला डेटा क्या है, फार्मूला डेटा जब भी हम लोग कोई भी फार्मूला एक्सेल के अंदर लिखना चाहते हैं तो हम लोगों को क्या करना होगा, ये इक्वल टू साइन से ही स्टार्ट करना होगा, ओके। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप लोग सबको ध्यान में रखना होगा, ओके। सो हम लोगों ने क्या देखा कि देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ डेटा, फर्स्ट इज नंबर डेटा और न्यूमेरिक डेटा जो कि 0 से लेकर 9 तक है, और कोई भी हम लोग ऑपरेटर को यूज़ कर सकते हैं, लाइक प्लस माइनस मल्टीप्लाई जो ऑपरेटर है उसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं, ओके। नेक्स्ट है जो टेक्स्ट डेटा। टेक्स्ट डेटा क्या होता है, टेक्स्ट डेटा में अल्फ़ाबेट नंबर स्पेस सब कुछ हम लोग यूज़ कर सकते हैं, ओके। नेक्स्ट इज फार्मूला डेटा। फार्मूला आप लोगों को कैसे डालना है, इक्वल टू साइन दे के आप लोगों को कोई भी फार्मूला लिखना होगा, ओके। नेक्स्ट इज नेक्स्ट इज परफॉर्मिंग कैलकुलेशन, ओके। सो एक्सेल इज एन एप्लीकेशन यूज टू परफॉर्म कैलकुलेशन, इट प्रोवाइड डिफरेंट टाइप्स ऑफ फार्मूला इन फार्मूला टैब्स, ओके। सो हम लोग एक्सेल किस लिए यूज़ करते हैं, हम लोग कोई भी एक्सेल में डेटा को ऐड करके हम लोग कोई भी कैलकुलेशन कर सकते हैं, ओके। तो उसको ही हम लोग को अच्छी तरह से सीखना होता है, ओके। सो फर्स्ट स्टेप इज एंटर डेटा एज शोन इन द स्क्रीन शॉट, ओके। आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि कुछ डेटा यहाँ पे दिया गया है, ओके, लाइक 20 21 35 78, ओके, ये सब डेटा है। उसको हम लोगों को क्या करना होगा, क्लिक ऑन द B7 सेल वेयर द रिजल्ट विल बी डिस्प्ले एंड द टाइप साइन। हम लोगों ने क्या बोला था कि कोई भी अगर हम लोगों को फॉर्मूला लिखना है तो हम लोगों को क्या करना होगा कि इजिकल टू साइन देना होगा, ओके। इजिकल टू साइन देना होगा, आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे इजिकल टू साइन दे के ही उसके बाद B1 स्टार्ट किया गया है, ओके। इजिकल टू साइन देने से क्या होता है कि फॉर्मूला स्टार्ट होता है, कोई भी अगर आप लोग फॉर्मूला लिखना चाहते हैं तो इजिकल टू साइन मस्ट, ओके। नेक्स्ट क्लिक ऑन द बी सेल एंड डैश बॉर्डर विल बी अपियर अराउंड इट। आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि डैश बॉर्डर डैश डैश बॉर्डर आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे, एंड द एड्रेस ऑफ द बी यू बी अपेयर इन इन सेल B7 एंड ऑल्सो दी फार्मूला बार। आप लोग यहाँ पे भी देख पा रहे होंगे कि फार्मूला बार में भी जो यहाँ पे B1 प्लस B2 प्लस B3 प्लस B4 यहाँ सब हो गया, प्लस देन टाइप प्लस सिम्बॉल, ओके, टाइप प्लस सिम्बॉल आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे प्लस सिम्बॉल दिया है, दैट मीन्स आप लोग को यहाँ पे ऐड करना होगा, ये जो आप लोग डेटा देख पा रहे होंगे उसको हम लोग को ऐड करना होगा, ओके। रिपीट द स्टेप्स टिल B6, दैट मीन्स बी यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं इज इक्वल टू B1 प्लस B2 प्लस B3 प्लस B4 प्लस B5 प्लस B6, ओके, इन द B7 सेल। B7 सेल तो ये है,
ओके, उसमें आप लोगों को ये जो सारा का सारा सेल है उसको प्लस दे के लिखना होगा। देन उसके बाद क्या करना होगा, आप लोगों को इंटर प्रेस करना होगा। ओके, इंटर प्रेस करना होगा, प्रेस द एंटर की, प्रेस द एंटर की, द बी सेल विल बी डिस्प्ले द सम ऑफ द वैल्यूज। आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे 3303 जो सम है वो आप लोगों को यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। ओके, सो मेन चीज़ क्या है, आप लोग यहाँ पे फॉर्मूला भी देख पा रहे होंगे, इज इक्वल टू बी प्लस बी वन प्लस बी टू प्लस बी थ्री प्लस, जो यहाँ पे बी है ये कॉलम नेम। ओके, बी टू है ये सेल, उसके बाद बी थ्री ये है, बी सी फोर, बी फाइव, बी सिक्स। ओके, जो ये सेल्स जो है इसका एड्रेस उसी को लिखने के, आप लिखने के बाद ही जो फॉर्मूला होगा वो आएगा। ओके, नेक्स्ट इज वर्किंग विथ वर्कशीट, स्विचिंग बिटवीन द वर्कशीट। ओके, सो इन एक्सेल वी आर गिविंग द फ्रीडम टू ऐड नंबर ऑफ वर्कशीट, बट ओनली ए फ्यू वर्कशीट आर विजिबल ऑन द स्क्रीन। मैंने पहले वीडियो में भी डिस्कस किया था कि हम लोग एक से ज़्यादा वर्कशीट हम लोग एक ही वर्कबुक के अंदर इंसर्ट कर सकते हैं। ओके, और उसको हम लोग क्या कर सकते हैं कि एक वर्कशीट से दूसरे वर्कशीट भी हम लोग जा सकते हैं। किससे प्रेस करके, प्रेस कंट्रोल प्लस पेज डाउन एंड प्रेस कंट्रोल प्लस पेज अप। ओके, इसको इसकी की कॉम्बिनेशन को हम लोग यूज़ करके हम लोग कोई भी वर्कशीट में हम लोग एक से एक वर्कशीट से दूसरे वर्कशीट को हम लोग जा सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इज रीनेमिंग ए वर्कशीट। ओके, रीनेम यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है शीट वन, शीट वन एक वर्कशीट है। ओके, सो राइट क्लिक ऑन द शीट टैब एंड ऑफ द शीट टू बी रीनेम्ड, ए मेनू विल बी अपीयर एंड क्लिक ऑन द रीनेम ऑप्शन। आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे शीट वन जो है उसको उसके ऊपर आप लोग को राइट क्लिक करना होगा। ओके, उसके ऊपर आप लोग को राइट क्लिक करना होगा, उसके राइट क्लिक करने के बाद ये जो मेनू है वो आप लोग के सामने आएगा, उस वहाँ से आप लोग को रीनेम सिलेक्ट करना होगा। ओके, देन शीट विल बी हाईलाइटेड, नाउ एंड प्रेस द एंटर की। आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे शीट जो है वो हाईलाइटेड हो गया है। उसके बाद क्या करना होगा, आप लोग जो नेम लिखना चाहते हैं वो नेम लिखने के बाद आप लोग एंटर की को प्रेस करेंगे, उसके बाद ही आप लोगों का जो वर्कशीट है वो रीनेम हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट इज एडिंग ए न्यू वर्कशीट। ओके, एडिंग ए न्यू वर्कशीट, सो सिलेक्ट द शीट बिफोर व्हिच यू वांट टू ऐड ए न्यू वर्कशीट, राइट क्लिक ऑन द शीट टैब एंड चूज द इंसर्ट ऑप्शन। ओके, आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे शीट वन, उसके ऊपर राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे इंसर्ट बोल के एक ऑप्शन दिख रहा होगा, उसको जाके आप लोगों को सिलेक्ट करना होगा। उसको सिलेक्ट करने के बाद ये न्यू डायलॉग बॉक्स विल बी ओपन। ओके, फ्रंट ऑफ व्यू। ओके, सो वहाँ से आप लोगों को क्या करना होगा, यहाँ पे जो वर्कशीट बोल के ऑप्शन दिख रहा होगा इसको आप लोगों को सिलेक्ट करना होगा। ओके, उसके बाद प्रेस ओके, ए न्यू वर्कशीट विल बी गेट इंसर्टेड बिफोर द सिलेक्टेड वर्कशीट। ओके, सो यहाँ पे जो सिलेक्टेड वर्कशीट है इसके आगे ये जो वर्कशीट आप लोगों ने इंसर्ट किया वो ऑटोमेटिकली इंसर्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट इज डिलीटिंग ए वर्कशीट, सेम प्रोसेस। ओके, प्लेस द माउस पॉइंटर ऑन द वर्कशीट टैब एंड शीट टैब टू बी सिलेक्ट डिलीटेड। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे शीट वन, राइट क्लिक ऑन द सिलेक्ट शीट टैब एंड सिलेक्ट द डिलीट ऑप्शन, सब में राइट क्लिक करना होगा। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख पा रहे होंगे रीनेम ऑप्शन भी है, इंसर्ट ऑप्शन भी है और अब डिलीट ऑप्शन भी है। उसके बाद आप लोग क्या करना होगा, डिलीट को प्रेस करना होगा। डिलीट को प्रेस करने के बाद आपका जो स्लाइड है, जो वर्कशीट है वो क्या होगा, डिलीट हो जाएगा। द नेक्स्ट इज सेविंग ए वर्क बुक, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सेविंग ए वर्क, हाउ टू सेव ए वर्क बुक इन एक्सेल। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्लिक ऑन द फाइल टैब। ओके, क्लिक ऑन द फाइल टैब, देन क्लिक ऑन द सेव ऑप्शन। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे फाइल टैब के अंदर ये सारा मेनू रहता है। ओके, वहाँ से जाके आप लोग को सेव जो ऑप्शन है उसको सेव ऑप्शन सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे जो सेव एज डायलॉग बॉक्स है वो आप लोग के सामने ओपन हो जाएगा। ओके, व्हेन यू क्लिक द सेव ऑप्शन ए न्यू विंडो विल बी अपीयर। ओके, देन यू नीड टू टाइप द नेम। ओके, फाइल नेम आप लोगों को यहाँ पे क्या करना होगा कि फाइल नेम को लिखना होगा। ओके, आप लोग जो फाइल नेम देना चाहते हैं वो फाइल नेम आप लोगों को यहाँ पे लिखना होगा। उसके बाद आप लोगों को क्या करना होगा, यहाँ पे सेव बटन दिख रहा होगा, सेव बटन को प्रेस करना होगा। द फाइल नेम इन द फाइल नेम बॉक्स, यहाँ पे आप लोगों को फाइल नेम बॉक्स में फाइल नेम लिखना होगा। उसके बाद क्लिक ऑन द सेव बटन, योर फाइल
will be saved with the extension with dot xlsx. Okay, this is the extension of ms excel file. Okay, इसको यार ध्यान में रखना है, ये एक्सटेंशन है एम एस एक्सेल फाइल का. ओके, नेक्स्ट इज एग्जिस्टिंग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल. हम लोग कैसे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल से बाहर जाएं. ओके, आफ्टर फिनिशिंग योर और यू कैन एग्जिट एक्सेल एप्लीकेशन टू क्लोज द विंडो. क्लिक ऑन द क्लोज बटन इन द अपर राइट कॉर्नर ऑफ द विंडो. यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे क्लोज ऑप्शन. ओके, यू कैन ऑल्सो क्लिक ऑन द फाइल टैब एंड सिलेक्ट क्लोज ऑप्शन. ये जो फाइल टैब के मेनू है यहाँ से आप लोग देख पा रहे होंगे ये है क्लोज ऑप्शन. ओके, दिस विल क्लोज एवरी वर्कबुक विंडो यू हैव ओपन. आप लोग जब इसको सिलेक्ट इसको क्लिक करेंगे तो क्या होगा, जितना भी सारा आप लोगों ने वर्कशीट ओपन करके रखा है, वर्कबुक ओपन करके रखा है, सब क्या होगा कि क्लोज हो जाएगा. ओके, सो आई होप दैट ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड टुडे स्टॉप. आप लोगों को क्या करना होगा, अच्छे से जो जो स्टेप्स दिया गया है वो आप लोगों को प्रैक्टिस करना होगा. ओके, विदाउट प्रैक्टिस आप लोग अच्छी तरह से नहीं समझ पाएंगे, और आप लोगों को अच्छी तरह से जो स्टेप्स दिया गया है वो अच्छी तरह से पढ़ना होगा. ओके, सो टुडे आई एम एंडिंग माई डिस्कशन हेयर. इन माई नेक्स्ट वीडियो आई विल कंटिन्यू द चैप्टर. ओके, सो टिल देन टेक केयर, गुड बाय एंड थैंक यू.